Hey guys, what's up? So, finally winter आ चुकी है और personally ये मेरा सबसे favorite season है क्योंकि इस season में हम ज़्यादा stylish लगते हैं क्योंकि winter में हम jacket पहनते हैं, blazer, coat, suit वगैरह पहनते हैं और ये तो आपको पता ही है कि jacket, blazer, suit, coat ये सब पहनने से एक बंदा कितना stylish लगता है और इसी के साथ एक और clothing item जो हम लड़के हमेशा winter में पहनते हैं जो हम लड़कों का favorite होता है वो है hoodie. Hoodie एक ऐसा clothing item है जो winter में सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला कपड़ा है इसीलिए आज मैं आपको 5 हुडी ड्रेसिंग टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप एक हुडी पहन के अपने दोस्तों से और बाकी सारे बंदों से हटके और स्टड लगोगे और साथ ही साथ एक हुडी को आप किस किस तरह से पहन सकते हो और हुडी के साथ बेस्ट आउटफिट क्या क्या रहेगा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा. उससे पहले अगर आप लव डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई डार्क स्किन या सांवले हैं क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के है वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके. तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपकशॉफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो पहला हुडी ड्रेसिंग टिप है हुडी के कलर से रिलेटेड. सो डार्क स्किन लड़कों पर यानी हमारे ऊपर जो कलर की हुडी अच्छी लगती है वो है ब्लैक, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन, मरून, बेबी वॉयलेट, ग्रे और कैमल कलर. इन 6 कलर के हुडी को छोड़कर और कोई भी कलर की हुडी हमारे ऊपर अच्छी नहीं लगती और बीच में एक ट्रेंड आया था नियॉन ग्रीन कलर के हुडी को पहनने का और आज भी कुछ लड़के इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं और नियॉन ग्रीन कलर के हुडी पहनते हैं. और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलती से भी नियॉन ग्रीन कलर के हुडी को मत पहनना. हुडी छोड़ो, नियॉन ग्रीन कलर के किसी भी कपड़े को मत पहनना क्योंकि नियॉन ग्रीन कलर हमारे ऊपर एकदम बेकार लगता है. नॉर्मल शब्दों में कहूं तो नियॉन ग्रीन कलर पहनने से हम एकदम चोर जैसे लगते हैं, इसीलिए डार्क स्किन लड़के को नियॉन ग्रीन कलर के किसी भी कपड़े को नहीं पहनना चाहिए और साथ ही साथ आपको येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक इन सब लाइट कलर के हुडी को भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये सब कलर हमारे फेस को डल और रूखा सूखा दिखाती है क्योंकि ये सब कलर पहनने से लोगों का अट्रैक्शन हमारे फेस से हटकर हमारे कपड़ों पर चला जाता है. इसलिए जो 6 कलर मैंने आपको बताया सिर्फ उन्हीं कलर के हुडी को पहनना और इनमें से भी सबसे पहला कलर का हुडी जो आपको लेना चाहिए वो है ब्लैक और नेवी ब्लू क्योंकि ये दो कलर की हुडी किसी भी कलर के जैकेट और पैंट के साथ मैच कर जाती है. दूसरा टिप है हुडी के जिपर से रिलेटेड. सो हुडी बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है जिपर वाली और एक होती है विदाउट जिपर वाली और दोनों के अपने अपने एडवांटेज होते हैं. जैसे जिपर वाली हुडी को आप चेन लगाकर नॉर्मल एक हुडी की तरह भी पहन सकते हो और चेन खोलकर टी शर्ट या शर्ट के ऊपर एक जैकेट की तरह भी पहन सकते हो. और रही बात विदाउट चेन वाली हुडी की तो विदाउट चेन वाली हुडी को आप जैकेट की तरह तो नहीं पहन सकते हो बट जब आप हुडी के ऊपर लेयरिंग वाला लुक करोगे, जैसे हुडी के ऊपर अगर आप कोई लेदर जैकेट, बॉम्बर जैकेट या डेनिम जैकेट पहनोगे तो इस लुक में चेन वाली हुडी से अच्छा विदाउट चेन वाली हुडी लगती है. इसीलिए दोनों हुडी के अपने अपने एडवांटेज होते हैं. वैसे तो मेरे पास दोनों टाइप की हुडी है बट अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे दोनों में से कौन सी हुडी सबसे पहली लेनी चाहिए तो वो है चेन वाली हुडी क्योंकि आप हुडी के ऊपर जैकेट वाला लुक हर रोज थोड़ी ना करोगे बट हाँ अगर आपका बजट है तो आप दोनों टाइप की हुडी ले सकते हो. तीसरा टिप है हुडी हमेशा एक कलर वाला प्लेन लेना. ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विंटर में आप ये नोटिस करना कि आपके आसपास के मैक्सिमम लड़के ऐसे हुडी को पहने हुए रहेंगे जिसमें या तो 3-4 अतरंगी कलर्स होंगे या हुडी में कुछ लिखा हुआ होगा या हुडी में कोई डिजाइन बना हुआ होगा और इन्हीं चीजों की वजह से एक बंदा हुडी पहन के अनस्टाइलिश लगता है क्योंकि एक कलर से ज्यादा कलर वाली हुडी या डिजाइन या लिखावट प्रिंटेड वाली हुडी पहली बात तो ये वर्सेटाइल नहीं होती है और दूसरी बात ऐसी हुडी पहनने से हम एकदम बच्चे जैसे लगते हैं, इसीलिए हमेशा एक कलर वाली हुडी पहनना क्योंकि ये वर्सेटाइल भी होती है और दिखने में क्लासी और स्टैंडर्ड लगती है. और जब आप हुडी के ऊपर जैकेट पहनने वाला लुक करोगे तो एक कलर वाली हुडी दिखने में लाख गुना ज्यादा अच्छी लगती है लिखावट या डिजाइन प्रिंटेड वाले हुडी के मुकाबले. चौथा टिप है हुडी के फिटिंग से रिलेटेड. सो पिछला साल लूज और ढीला ढाला हुडी पहनना काफी ट्रेंड में चला था और बहुत से डार्क स्किन लड़कों ने इस ट्रेंड को फॉलो भी किया था और जिन जिन डार्क स्किन लड़कों ने इस ट्रेंड को फॉलो किया था वो किसी मवाली से कम नहीं लग रहे थे क्योंकि लूज ढीला ढाला हुडी किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता, हुडी हमेशा फिटेड ही अच्छा लगता है. जैसे हुडी चेस्ट के एरिया में हल्का सा फिटेड होना चाहिए और पेट के एरिया में लूज होना चाहिए. और इससे भी इजी तरीका ये है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग परफेक्ट फिटिंग वाले हुडी को खरीदने का, वो है जब भी आप हुडी खरीदना तो उसे पहनना और फिर अपने हाथों को इस तरह से आगे की तरफ उठाना, फिर देखना अगर उस हुडी का स्लीव आपके कलाई के इस रेड लाइन तक आ रही है तो 90% चांसेस है कि वो हुडी आपके बॉडी के लिए परफेक्ट फिटेड होगी. और अगर हुडी का स्लीव इस रेड लाइन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा बट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना वो हुडी आपके बॉडी के लिए बहुत टाइट या बहुत लूज होगा. एक और तरीका है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग परफेक्ट
परफेक्ट फिटिंग वाले हुडी को पाने का वो ये है, हमेशा अपने साइज से एक साइज छोटा हुडी खरीदना। जैसे अगर आप एम साइज के कपड़े पहनते हो तो आप एस साइज के हुडी को खरीदना, 80% चांसेस है कि वो हुडी आपको परफेक्ट फिट आएगी। एंड फाइनली पांचवी हुडी ड्रेसिंग टिप है कि जब भी आप हुडी पहनना तो उसके साथ जीन्स या जॉगर्स पहनना। बहुत से लड़कों को मैंने देखा है कि वो हुडी के साथ चीनो या फॉर्मल पैंट पहनते हैं और इसी की वजह से कुछ लड़के हुडी पहनने के बाद अंकल जैसे लगते हैं। सो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आप हमेशा हुडी के साथ जीन्स या जॉगर्स पहनना, क्योंकि जीन्स और जॉगर्स एक कैजुअल वेयर है और हुडी भी एक कैजुअल वेयर है। सो इसीलिए हुडी के साथ जीन्स और जॉगर्स पहनने से यह आउटफिट क्लासी और स्टाइलिश लगता है। और हाँ, हुडी के साथ जीन्स को आप किसी भी जगह पहन सकते हो, बट हुडी के साथ जॉगर्स को आप सिर्फ या तो अपने मोहल्ले में पहनना या तो मॉल या ट्यूशन में पहनना। बट अगर आप कहीं घूमने जाओगे, गार्डन, पार्टी, क्लब, कैफे वगैरह जाओगे तो हुडी के साथ जीन्स पहनना। और एक बोनस टिप बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हुडी पहनना तो उसके साथ इस तरह के चप्पल या हवाई चप्पल मत पहनना, इससे हुडी का लुक पूरा खराब हो जाता है। इसीलिए अगर आपको चप्पल पहनना ही है तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप पहनना, ये दिखने में कूल लगता है। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक हुडी को किस किस तरह से पहन सकते हो। पहला आउटफिट है सिंपली एक हुडी, उसके साथ एक जीन्स और एक व्हाइट शू, और एक्सेसरीज में आप वॉच और ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। यह आउटफिट सिंपल जरूर है बट क्लासी लगता है। दूसरा आउटफिट है एक प्लेन ब्लैक या व्हाइट टी शर्ट, उसके ऊपर चेन खोलकर हुडी और एक जीन्स और व्हाइट शू। एंड फाइनली तीसरा आउटफिट है एक हुडी, उसके ऊपर कोई भी जैकेट, बॉम्बर जैकेट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, कोई भी एक जैकेट, और साथ में जीन्स, और शूज में व्हाइट शू या चेल्सी बूट, और एक्सेसरीज में आप वॉच और ब्रेसलेट पहन सकते हो। इस आउटफिट को तभी करना जब बहुत ज्यादा ठंडी हो या जब आप फोटो शूट करवाओगे, अदरवाइज इस आउटफिट को मत करना वरना आपको बहुत गर्मी लगेगी। और इन तीनों आउटफिट में आप जीन्स की जगह जॉगर्स भी पहन सकते हो, बट अगर आप जॉगर्स पहनोगे तो इस आउटफिट को आप सिर्फ अपने मोहल्ले, मॉल या ट्यूशन में ही करना, और अगर आप जॉगर्स पहनोगे तो उसके साथ बूट मत पहनना। तो ये थे वो पांच हुडी ड्रेसिंग टिप्स जिसे फॉलो करके आप एक हुडी पहन के आप अपने दोस्तों से और बाकी सारे लड़कों से हटके और स्टाइलिश लगोगे। और कुछ अच्छे अच्छे हुडीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक कर उसे खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सावले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपकशावऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सावले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।